आपने एलियंस के बारे में तो ज़रूर सुना होगा कि वह कहीं दूर ब्रह्मांड में रहते हैं, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि वो यहाँ पहले से पृथ्वी पर हैं और हमारी तरह ही रहते हैं। एवलिनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी रहस्यमय जगह के बारे में बात करेंगे जो बरमूडा ट्रायंगल जैसे लक्षण दिखाता है। अगर आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में नहीं जानते तो मैं संक्षेप में बताता हूँ। बरमूडा ट्रायंगल एक ट्रायंगल शेप अटलांटिक महासागर में जगह है जिसके ऊपर से अगर कोई भी चीज़ गुजरती है तो वह समुद्र में डूब जाती है, जैसे एरोप्लेन, जहाज, पक्षी, कुछ भी। बड़ी सी बड़ी चीज़ वहाँ प्रकृति के आगे नहीं टिक पाती। आज हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं वह बरमूडा ट्रायंगल के समान भी है और विपरीत भी। यह एक 50 किलोमीटर का रेगिस्तान है जो बिल्कुल शांत है। शांत जगह पृथ्वी पर बहुत हैं, पर यह एक ऐसी एकांत जगह है जो और कहीं नहीं है, इसलिए इसे द जोन ऑफ साइलेंस कहा जाता है, यानी एकदम एकांत जगह। सबसे पहले इस जगह का 1930 में पता चला था जब एक पायलट ने अपना वहाँ प्लेन उतारा क्योंकि उसका रेडियो काम नहीं कर रहा था। वहाँ उसके सारे उपकरण हिलने लग गए और कंपास भी फेल हो गया। तब इस किस्से को नज़रअंदाज कर दिया गया था। फिर 1964 में एक इंजीनियर को वहाँ ऑयल पाइपलाइन का काम मिला, उधर उसका भी रेडियो काम नहीं करा। वो काफ़ी बार उधर गया पर रेडियो काम कभी नहीं करा। तभी उस जगह के राज खुलने शुरू हुए। वहाँ रहस्यमय बात यह है कि वहाँ पर कोई भी सिग्नल काम नहीं करता। जी हाँ, ना कोई रेडियो सिग्नल और ना कोई आपके वाईफाई का सिग्नल यहाँ आ सकता। यह जगह इन्हें नहीं आने देती। एक और जाना माना किस्सा हुआ था 1970 में। कोल्ड वॉर के समय अमेरिका ने मिसाइल टेस्ट किए थे, पर एक मिसाइल ने अचानक से अपनी दिशा बदल ली, उससे सिग्नल टूट गया था और वह मिसाइल उस रेगिस्तान में जाकर गिरी। कुछ हफ्तों बाद जब टीम वहाँ पहुँची तब उनके रेडियो सिग्नल्स, टेलीविजन और सैटेलाइट सिग्नल्स काम नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि कोई स्टैटिक भी नहीं था, कुछ नहीं, एकदम एकांत शांति। जब इस जगह की साफ सफाई हुई तो यहाँ की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स का राज खुला, जो आज के इस आधुनिक ज़माने में किसी बंद कमरे के समान है। और रिसर्च के बाद पता चला कि इस जगह में ज़्यादा मात्रा में मैग्नेटाइट और आयरन है। ऐसा मानो जैसे यह ज़मीन एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। यहाँ के पत्थर में इतना धातु है कि जिसकी वजह से यह अपने आप चलने लगते हैं। धातु की बात की जाए तो यहाँ पर रुथेनियम और रोडियम भी मिला जो कि बहुत रेयर है, और टेक्नीशियम भी मिला जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता, यह सिर्फ आर्टिफिशियली लैब में बनाया जा सकता है। तो सवाल यह है कि यह सब वहाँ आए कैसे। यहाँ के पौधे और जानवर की ग्रोथ भी बाकी जगह से अलग है। लोगों का मानना है कि इस रेगिस्तान में एलियंस रहा करते थे और ज़मीन के नीचे उनका UFO है। मीटियोर का गिरना यहाँ पे आम जगह से कहीं ज़्यादा है, तो लोगों को लगा कि यह एक एलियंस का संदेश है कि वह यहाँ आने वाले हैं। पर यह सब सिर्फ अफवाहें हैं, विज्ञान इन बातों को नहीं मान सकता। द जोन ऑफ साइलेंस की चर्चा और बढ़ी जब यहाँ पर अनजान हरकत का पता चला। कभी कभार अचानक से यहाँ पर अजीब सी लाइट्स और रेडियो वेव बर्स दिखा करते हैं। कई लोग इस जगह से भ्रम के शिकार बन गए हैं, उन्हें यहाँ वो सब दिखता है जो हकीकत में नहीं होता। इसे भ्रम कहें या हकीकत, पर कईयों ने इधर अचानक से लोगों को प्रकट होते हुए और गायब होते हुए देखा है। इस घटना के कुछ सबूत भी हैं, पर साइंस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। लोगों के बयान में उन्होंने बहुत बार तीन अजीब लोगों को यहाँ देखा है, तीनों खूबसूरत और स्पेनिश बोलने वाले, दो लड़के और एक लड़की। इस गर्म रेगिस्तान में उन्होंने हमेशा सर्दियों के कपड़े पहने होते हैं। वह लोगों से सिर्फ उनकी बोतलों में पानी भरने की रिक्वेस्ट करते हैं। किसी ने एक बार उनसे पूछा कि वह कहाँ से आए हैं, उन्होंने कहा फ्रॉम अबव और चले गए। फ्रॉम अबव यानी इस दुनिया के बाहर से। अगली घटना 1975 की है। दो भूवैज्ञानिक अर्नेस्टो और जोसेफिना जोन में पत्थर के सैंपल लेने गए थे। अचानक से मौसम बहुत ख़राब होने लगा, आंधी तूफान आने शुरू हो गए। तेज़ बारिश के कारण उनकी गाड़ी का पिछला हिस्सा गड्ढे में फंस गया था। उन्होंने काफ़ी कोशिश की पर गाड़ी बाहर नहीं निकली। कुछ समय बाद अचानक से दो लोग पीले रेनकोट और टोपी में आए। उनका चेहरा अच्छे से नहीं दिख पा रहा था और वह उनकी मदद करने लग गए। कुछ ही पल बाद गाड़ी गड्ढे से बाहर निकल गई। जोसेफिना के मना करने के बाद भी अर्नेस्टो उन्हें धन्यवाद करने के लिए गाड़ी से बाहर निकल गया। पर जब वह गाड़ी से बाहर निकला तो हैरान हो गया था और जोसेफिना को बाहर बुलाया। वो दोनों मदद करने वाले लोग अचानक से गायब हो गए थे। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था और यहाँ तक कि गाड़ी के पीछे उनके पैरों के निशान तक नहीं थे। ऐसा मानो जैसे वहाँ कोई आया ही नहीं। अर्नेस्टो और जोसेफिना के लिए यह भगवान का कोई रूप हो या एलियन हो, पर जो उन्होंने देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं UFO की।
वैसे तो इंटरनेट पे काफ़ी यूएफओ साइटिंग्स के वीडियोस मिलेंगे, पर कौन से असली हैं कौन से नकली उनका कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर कोई यूएफओ ब्रह्मांड से पृथ्वी पर आएगा तो इंसान की बनाई टेक्नोलॉजी से वह नहीं छुप पाएगा। अब तक स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस को यूएफओ की एग्जिस्टेंस का कोई सबूत नहीं मिल पाया है, पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये यूएफओ की हिस्ट्री में सबसे रहस्यमयी घटना है। यह बात 1976 सेबालोस की है। सेबालोस सबसे नज़दीकी टाउन है जोन ऑफ साइलेंस से। हुआ यूँ कि रात के 9 बजे के आसपास लोगों को अजीब सी तेज़ आवाज़ें आने लगीं। सब लोग अपने घर से बाहर निकल गए तो उन्होंने देखा कि उनके सर के ऊपर एक रेक्टेंगुलर शेप का जहाज़ उड़ रहा है। वह चीज़ करीब 300 मीटर लंबी थी और उसके चारों तरफ रिम पर लाइट्स चमक रही थी। उसमें से बहुत तेज़ गहरी हाई बेस की आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ का कुत्तों पर बहुत असर हो रहा था और सारे कुत्ते चीखने लग गए और उस चीज़ पर भौंकते जा रहे थे। कुछ ही पल बाद वो जो भी था वहाँ से निकल कर जोन ऑफ साइलेंस की तरफ चला गया। यह किस्सा असली है या नकली, इस बात का कोई सबूत नहीं है। अगर यह नकली है तो सवाल यह है कि वहाँ वह पूरा टाउन झूठ क्यों बोलेगा। यह घटना पुलिस वालों और मिलिट्री ने तक देखी थी और किसी के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। लोगों के अनुसार यह किसी इंसान का मजाक या साजिश नहीं है। जो उन्होंने अनुभव किया वह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर कोई यूएफओ ब्रह्मांड से पृथ्वी पर आएगा तो इंसान की बनाई टेक्नोलॉजी से वह नहीं छुप पाएगा। तो क्या यह यूएफओ पृथ्वी पर पहले से है? क्या यह जोन ऑफ साइलेंस में छुपा हुआ है? इन सब सवालों का आज तक कोई एक्सप्लेनेशन या एविडेंस नहीं मिल पाया है। अब जो मैं आपको आखिरी किस्सा बताने जा रहा हूँ जोन के बारे में, उसका कोई एविडेंस नहीं मिला था और जनता से यह बात छुपा कर रखी गई थी, पर 2013 में इस घटना के राज खुले और इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। इधर वैज्ञानिकों के लिए एक बायोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन स्थित था जहाँ पर जोन पर रिसर्च होती थी। कई लोगों का आना जाना यहाँ लगा रहता था, पर कई बार अचानक से साइंटिस्ट अपनी शिफ्ट के समय रेगिस्तान में गायब हो जाते थे। जी हाँ, सच का गायब होना और बाद में वापस आ जाना, इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। पर 2013 में एक रिसर्चर हेक्टर ऑल्वरेज के हाथ से लिखे हुए जर्नल्स मिले जिसने पूरा इस राज का खेल पलट दिया। जर्नल के शुरू में उन्होंने एक अजीब घटना बताई जब वह स्टेशन पर अकेले काम कर रहे थे। रात की ड्यूटी में वह अकेले काम ही किया करते थे। उस घटनाओं को उन्होंने अपने कैमरे से लेने की कोशिश की पर कैमरा ने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। जब हेक्टर ने अपने सीनियर्स को वह बात बताई तो उन्हें उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया। उस जर्नल के 3 महीने की घटनाओं को डिटेल में बताया हुआ है। घटनाएं जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अजीब सी लाइटें, झटके से रेडियो वेव्स का प्रकट होना और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बदलना, अचानक से मौसम का ख़राब होना, तेज़ आंधी चलना, इन बातों पर कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन बन सकती है। पर अब जो मैं बताने वाला हूँ वह कुछ ज़्यादा ही रहस्यमयी है। तो जर्नल में आगे बढ़ते हैं। हेक्टर ने एक रात नोटिस करा कि बिल्डिंग का पेंट कहीं जगह फीका पड़ गया है, अंदर बाहर दोनों जगह, और वो पेंट अनइवन ट्रायंगल शेप में दिखता था। ड्यूटी के समय आसमान में अजीब से चमकते हुए ट्रायंगल दिखते थे। इस ट्रायंगल के वही गुण थे जो सेबालोस के लोगों ने उड़ती हुई चीज़ के देखे थे। इस ट्रायंगल से भी वही भारी आवाज़ें और तेज़ हवा के झोंके आते थे और कुछ मिनटों बाद ही अचानक से गायब हो जाता था। कभी भी अचानक से प्रकट हो जाना और गायब हो जाना, इसका कोई पैटर्न नहीं मिला। पर हेक्टर का मानना था कि कोई ना कोई पैटर्न ज़रूर है और वह नहीं ढूंढ पा रहा था। यह अगला जर्नल का आखिरी हिस्सा कुछ हॉन्टेड हरकत से कम नहीं। एक दिन स्टेशन के सारे कंप्यूटर्स के स्पीकर फुल वॉल्यूम में टूटी फूटी नॉइस निकालने लगे जबकि सारे कंप्यूटर्स बंद थे। स्पीकर को कंप्यूटर से निकालने के बाद भी वह वहाँ से बंद नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि स्पीकर्स ने कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी पकड़ ली जिसके कारण ये सब हुआ था। यह कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी से कम नहीं। अगले दिन काफ़ी कंप्यूटर्स स्टार्ट नहीं हुए। टेक्नीशियन को बुलाया तो पता चला कि कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड और हार्ड ड्राइव्स तेज़ गर्मी की वजह से पिघल गए। बंद कंप्यूटर्स में ऐसा होना असंभव है। क्या यह सच में एलियंस का भेजा हुआ कोई सिग्नल था जिसने सब नष्ट कर दिया? इस सिग्नल की कोई पुष्टि नहीं है। अब 3 महीने बाद 15 मार्च 2013 को हेक्टर अपनी शिफ्ट के बाद गायब हो गए थे और अगले दिन स्टेशन पर नहीं आए। उनकी गाड़ी उधर रिसर्च स्टेशन में ही पार्क्ड थी। उनके गायब होने की खबर पुलिस को बता दी गई पर पुलिस को हेक्टर के बारे में कुछ पता नहीं चला। पर उनके गायब होने के अगले दिन सुबह वहीं बिल्डिंग की दीवारों पर ट्रायंगल शेप में पेंट फीका पड़ गया था
और उसमें से रेडिएशंस निकल रही थी। जांच होने के बाद पता चला कि दीवार पर भारी मात्रा में टेक्नीशियम आइसोटोप्स मिले हैं। जी हाँ, वही आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो जोन के अंदर से मिला था। इन सब घटनाओं से संबंधित जानकारी को जनता से सीक्रेट रखा गया और सबूत की कमी के कारण यह केस बंद कर दिया गया था। अब यह वर्ल्ड की अनसॉल्व्ड अननोन मिस्ट्रीज में से एक है, पर अभी भी वहाँ के कुछ स्टाफ, पड़ोस के रहने वाले लोगों का मानना है कि यह एलियंस का काम है और एलियन जोन में छुपे हुए हैं। जोन में बहुत रेयर एलिमेंट्स का मिलना, सिग्नल ना आना, आसमान में UFO, पानी मांगने वाले लोग, मदद करके गायब हो जाने वाले लोग, अजीब सिग्नल्स का मिलना, लोगों का गायब हो जाना और प्रकट होना, अचानक से मौसम खराब होना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव, ट्रायंगल शेप का राज इत्यादि। क्या यह सब प्रकृति का काम है, किसी इंसान की साजिश है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, या फिर एलियंस का इनमें हाथ है? यह हम आप पे छोड़ते हैं। हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। पार्ट टू में हम इस मिस्ट्री की और इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में जाएंगे और घटनाओं के नतीजे निकालने की कोशिश करेंगे। और भी संसार के गहरे राज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।